वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आई। तुम मेरे वीडियो अंग्रेजी बोलने की उम्मीद से देखते हो। मैंने उसकी मदद की उसे इम्प्रेस करने की उम्मीद से। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, उसके अंत में यूज़ करेंगे इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ का मतलब होता है कि उम्मीद से। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब होगी, यदि वर्ब होती है तो उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है अपना, वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आई। तो सबसे पहले हम बोलेंगे वह मेरे पास आई, सी केम टू मी। किस उम्मीद से? इन द होप ऑफ टेकिंग मनी, पैसे लेने की उम्मीद से। तो इस प्रकार से हो जाएगा, सी केम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम मेरे वीडियो अंग्रेजी बोलने की उम्मीद से देखते हो। तो सबसे पहले तुम मेरे वीडियो देखते हो इतना बोलेंगे। यू वॉच माई वीडियोज किस उम्मीद से? इन द होप ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यू वॉच माई वीडियोज इन द होप ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल, मैंने उसकी मदद की उसे इम्प्रेस करने की उम्मीद से। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई हेल्प्ड हर इन द होप ऑफ इम्प्रेसिंग हर। आई हेल्प्ड हर इन द होप ऑफ इम्प्रेसिंग हर। एक एग्जाम्पल आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, वह खाना खाने की उम्मीद से होटल गया।